तो क्या वाकई में 74 दिनों में 75 सालों का इतिहास बदलने वाला है? तारीख पर तारीख और इंसाफ का फासला कम होने वाला है? क्या वाकई में कोर्ट को लेकर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? आखिर क्या वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर क्यों इसकी चर्चाएं हो रही हैं? वजह है जस्टिस यूयू ललित। जी, जस्टिस यूयू ललित देश के नए चीफ जस्टिस इंडिया यानी कि CJI बनने जाने हैं। इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि 74 दिनों में 75 साल का इतिहास वो बदल सकते हैं। हम 74 दिनों की बात क्यों कर रहे हैं और वो बदलाव क्या होंगे, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। मगर उससे पहले नए CJI के बारे में कुछ जान लीजिए। दरअसल जस्टिस यूयू ललित के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वकील रहते जिन आरोपियों का कोर्ट में बचाव किया, जज बनने के बाद उनका कोई केस तक नहीं सुना। अब 27 अगस्त को जब देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश को मिलने जा रहे हैं, तो ऐसे में इनकी कुर्सी संभालते ही दो बड़े बदलाव देश को देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो निचली अदालतें हैं उनका काम करने का तरीका भी बदल सकता है। वो बदलाव क्या होंगे हम आपको आगे बताते हैं, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार मुख्य न्यायाधीश के लिए इनका नाम फाइनल कैसे हुआ। दरअसल 3 अगस्त को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मौजूदा CJI NV रमन्ना को लेटर लिखा। उसमें पूछा कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस लेटर के जवाब में कॉलेजियम के साथ बैठक करने के बाद CJI रमन्ना ने जवाब में यूयू जस्टिस का नाम लिखा। अब आपको ये जानकर हैरत हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ 74 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बताता है कि वो इन 74 दिनों में 75 साल के इतिहास को बदलने का मादा भी रखते हैं। क्योंकि जिन लोगों का न्याय के लिए अदालत के चक्कर काटते काटते जूते घिस गए, उनके लिए यूयू ललित कोई बड़ा सुकून दे सकते हैं, क्योंकि इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। दरअसल कुछ रोज पहले एक सुनवाई के दौरान जस्टिस ललित ने पूछा था कि जब बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो कोर्ट में सुनवाई सुबह 9 बजे क्यों नहीं हो सकती। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और लंच का समय आने वाले दिनों में बदल भी सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा केस भी निपट सकते हैं, क्योंकि देश की अदालतों में इस वक्त करीब, आप जानकर हैरत हो जाएंगे, 7 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, जिनका 1% यानी कि 72,000 तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हैं। करीब 30,000 जजों के पद खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने और ऑनलाइन सुनवाई पर भी जोर हो सकता है। वैसे तो उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल ये खड़े होने लगे कि यूयू ललित अमित शाह के समर्थक रहे हैं, और हाँ, ये इसलिए क्योंकि शराबुद्दीन केस में भी इन्होंने अमित शाह की पैरवी की थी। खैर, ये आरोप सियासी हो सकते हैं, मगर कुछ चौंकाने वाली बातें हम आपको बताते हैं। साल 1957 में जन्मे जस्टिस ललित ने साल 1983 में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी। पहले 2 साल बॉम्बे हाईकोर्ट में रहे और फिर 6 साल तक पूर्व अटर्नी जनरल रहे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बन गए। और इतना ही नहीं, जब सीनियर वकील बने तो इन्होंने कई चर्चित केसों में अपनी बतौर वकील पैरवी की। कहते हैं कि अयोध्या केस के वक्त एक वकील ने सवाल उठाया, सवाल ये कि आपने कल्याण सिंह सरकार की पैरवी की थी जिनके वक्त बाबरी विध्वस्त हुआ, फिर आप कैसे इस केस में निष्पक्ष फैसला दे सकते हैं। वकील ने उनसे पैनल से हटने की मांग नहीं की थी, मगर तुरंत जस्टिस ललित केस से अलग हो गए। ऐसा ही उन्होंने कई केस में किया। आइए अब उन केसों का भी जिक्र कर लेते हैं जिन्हें देखकर आप भी समझ जाएंगे कि जस्टिस यूयू ललित कानून को कितना गहराई तक समझते हैं। चाहे कल्याण सिंह का केस हो, अमित शाह का केस हो, सलमान खान का केस हो, या फिर आसाराम बापू, कैप्टन अरविंदर सिंह और जनरल VK सिंह तक का केस यूयू ललित जी ने ही लड़ा। और हाँ, बड़ी बात ये भी जान लीजिए कि बतौर वकील ही इन सभी केसों में उन्होंने पैरवी की। जस्टिस ललित जब जज बने तो किसी भी केस में उन्होंने दखल नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब वक्त साल 2014 का था तब उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, उन केसों को कभी नहीं छुआ जिन केसों में बतौर आरोपियों की उन्होंने पैरवी की। इसलिए देश के बनने जा रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए
ऐसी बातें हरगिज नहीं होनी चाहिए। ये भी सच है कि हमारे देश की आवाम आज भी कोर्ट से न्याय की उम्मीद के लिए देखती है। तो याद कीजिए योगी सरकार के उस फैसले को जिसमें योगी आदित्यनाथ ने 900 वकीलों को सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वो सरकार का पक्ष सही तरीके से कोर्ट में नहीं रख पा रहे थे। अदालत में सिर्फ तारीख पर तारीख ली जा रही थी। और हाँ, आप तो जानते हैं, जब आप कोई जमीन का केस ही कोर्ट में लेकर जाते हैं तो अदालत में खड़े हुए वकील क्या कहते हैं आपसे? यही तो कि 10 साल लग जाएंगे, चाहे फिर मारपीट का ही केस क्यों ना हो, जमानत लेने लेने में साल भर लग जाते हैं। अब क्या इन्हीं सब बातों पर जस्टिस यूयू ललित विराम लगाएंगे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे? क्योंकि कानून तो देश के लिए है। तो क्या आने वाले चीफ जस्टिस सरकार के साथ कुछ ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जिससे कोर्ट की तारीख और इंसाफ का फासला कुछ कम हो जाए? यानी देश के नए चीफ जस्टिस अदालतों में करीब 7 करोड़ केस पेंडिंग पर जल्द सुनवाई की पैरवी कर सकते हैं, करीब 30,000 जजों के पदों को भरने को लेकर भी कोई कदम उठा सकते हैं, और हाँ, ऑनलाइन सुनवाई पर उनका जोर भी हो सकता है जिससे न्याय की आस लगाए देश की आवाम को कुछ राहत मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।